पार्ट को तो स्किप भी करना है और एंड में अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करना शेयर करना और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट है। सबसे पहले आप अपने एक्सेल के अंदर अपने ई अकाउंट के साथ लॉग इन कर लीजिए अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ है तो बैनो के नहीं तो आप जी मेल के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं तो ये इतना कंपल्सरी नहीं है बट जवा या फिर फीचर एड करते हैं तो उनमें लॉग इन करना होता है उस वजह से ये आपको बोल रहा है ओके तो अगर आपने नहीं भी करना तो मत कीजिए बाद में भी आप लोग कर सकते हैं ठीक तो हमने यहाँ सर्च पर भी कर लेना और यहाँ पर सर्च करना है ब्राउज एड इन ओके तो आपको ये आइकन शो होगा ब्राउज एडिंग्स इस पर आप क्लिक कर लें फिर आपको पारे उसका ये स्टोर शो यहाँ पर आपने टाइप कर लेना AI, और सर्च आइटम पर क्लिक कर लेना। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स ए आई के दिखने लग जाएंगे तो मैं भी यहाँ पर ऑलरेडी चैट जेपीटी एड किया हुआ एक्सल के लिए और अगर आप को पायलट को ऐड करना चाहते हैं तो ये ए ए आई तो आपने क्या करना है आप जिस भी ए आई को ऐड करना चाहते हैं उसके आगे ऐड पर क्लिक कीजिए उसके बाद आई एग्री कर लीजिए टर्म एंड कंडीशन को फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए और ये ऐड ऑन आपके एक्सेल के अंदर ऐड हो जाए ओके तो ये जब तक डाउनलोड होके ऐड हो रहा है तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं तो देखिए ये आ ऑफिस एंड इन तो आपने यहाँ लाओ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते वेट करते हैं हम तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें साइन इन के लिए बोला जा रहा है तो आप वो थ्रू साइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप जो जी मेल के थ्रू ऑफिस के अंदर लॉग इन है आप उसी सेम ई मेल आई डी के थ्रू यहाँ पर भी लॉग इन हो सकते हो तो कुछ टूल यहाँ पर पेड है और कुछ टूल यहाँ पर फ्री है तो जो पेड भी है वो भी आपको कुछ दिनों की ट्रायल मिलेगी तो आपने कोई भी टूल तो यहाँ पर टाई कर सकते हो और अगर आपको बढ़िया लगे तो आप उसे परचेज कर सकते हो ठीक है तो मैं आपको दो वो तरह के टूर यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो आपने ई मेल आई और पासवर्ड डाल देना फिर उसके बाद आप पर क्लिक कर देना फिर तो इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा और उसके बाद आपको ईमेल पर एक वेरी वेरिफिकेशन जाएगी और आप अपनी ईमेल में लॉग इन कर लीजिए जिस ईमेल के थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट किया है वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा वेरिफिकेशन कोड भी हो सकता है तो आपने उसको कंप्लीट कर लें तो देखिए ये हमारे पास आ चुका है तो हमने यहाँ वैलिडेट दिस मेल पर क्लिक कर देना ओके तो हम लोग इस मेल के थ्रू यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है बाकी आपको नीचे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल शो रहा है आप उनके थ्रू भी यहाँ से सीधा लॉग इन कर सकते हैं ओके इसके बाद हम इसे कर हैं क्लोज अगर मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ टाइम बाद ये वाला टूर भी शो हो जाएगा मैं आपको एक आधा टूर और ऐड करके दिखाता हूँ फिर मैं आपको इसे यूज करके बताऊ तो हमने फिर से ए सर्च कर लिया अब मैं नीचे स्क्रोल करता हूं तो ये देखिए ये भी बढ़िया लग रहा है ए आई असिस्टेंट्स फॉर एक्सल उसके बाद पारबूला ए स्प्रेडशीट तो आप इनमें से किसी को भी ऐड कर सकते हैं बट यहाँ पर देखिए एडिशनल परचेज में भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है आपका पेड़ है अगर ये बाद में आपने करना हुआ तो आप कर सकते हो ठीक है तो जो भी आपने ऐड करना है उसके लिए आपने यहां से कर ले तो ये है, use, आप देखिए हाउ टू यूज अगर आपको इसको चलाना सीखना है तो क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है वहां से भी आप लोग देख सकते हो तो मैं इसे रन भी कर सकता है क्योंकि अगर मैं रन करूंगा तो हो सकता है यहाँ पर मुझे दिक्कत हो तो ये देखिए ये सारे यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस पड़े हैं तो आपने जहां पर भी जिस फंक्शन को ऐड करना है आप इसे ऐड कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर ए आई ट्रांसमेट बूस्ट यूर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी विद चैट जीपीटी फॉर एक्सप इसे स्पेनिश में ये प्रिंट कर रहा है मैं आपको यहाँ पर इसे कर देता हूँ हिंदी मैं आपको ये फार्मूला लगाकर भी दिखाऊंगा तो देखिए अपनी हिंदी में लिखा ऊपर उपादकता को बढ़ावा देने के लिए चैट जीपीटी के साथ एचल का उपयोग करें तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टूल बढ़िया लगे वो यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पर यूज करके भी दिखा देता हूँ तो आप मेक जैसे नॉर्मल हम फार्मे में, में इक्वल का साइन लगाते हैं वैसे लिखाना है इक्वल टू ए आई डॉट टाइप कर लेना है फिर उसके बाद जो भी आप में फॉर्मला टाइप करना है वो टाइप कीजिए और जब आपको शो हो जाए फिर आप टैप दबा दीजिए ठीक है तो ये ट्रांसलेट वाला आ चुका है अब मैंने किस वैल्यू को करना है मेरे मेरा ए के अंदर ये में हमें करना पर क्लिक किया ऑटोमेटिकली वैल्यू आ चुकी है फिर आप लगाइए फिर आपने जिस लैंग्वेज में इसे टाइप चाहते करना चाहते हैं सॉरी ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कीजिए इन्वर्टर फॉर के इसके अंदर और फिर ब्रैकेट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए आपको यहाँ पर बिजी शो होगा फिर देखिए कुछ टाइम बाद आपका इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा तो मैं आपको एक फार्मूले के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूं अब हम कोई भी और लैंग्वेज में एक बार ट्राई कर लेते हैं तो आप इस तरह से वैल्यू खुद भी टाइप कर सकते हो चाहे आप वहां पर टिक कर लीजिए फिर हम अब इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं कौन सी लैंग्वेज में करें चलो तमिल में कर लेते हैं बट तमिल हमें नहीं आती बट मैं आपको फिर भी ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ तो अगर कोई व्यूवर्स देख रहा है जिसे तबीयत आती है तो वो इसे पढ़ के जो कमेंट में बताए कि इसने सही ट्रांसलेट किया था या गलत किया था तो इसी तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे तो ये तो एक फार्मूला है आप इस तरह से बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर ए आई डी हेप से यूज कर पाएंगे तो अब हम कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं और तो उर्दू कर लेते हैं ये वैसे तो ये देखिए उर्दू में ट्रांसलेट हो चुके हैं तो आपके जो भी पर जाएंगे वो आपको के अंदर कर सकते हैं और उससे आप ए आई की हेल्प से एडवांस लेवल तक एक्सेल को यूज कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर ये जैसे फॉर्मूला बॉट पड़ा है ये भी पेड़ है बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ एक बार क्योंकि हम ट्राई तो भी का कोई भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है या देखिए ये हमारे आ चुके हैं इसे भी हमें यहाँ पर लॉग इन करना हो तो यहाँ पर भी देखिए साइन अप फॉर फ्री है तो आप पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए फिर उस अकाउंट को यहाँ पर आकर लॉग इन कर लीजिए तो हम ट्राई फॉर फ्री कर देते हैं तो ये जो टूल है हम जो अभी एड कर रहे हैं वर्ड किसकी हेल्प से आप डाटा एनालिसिस और एडवांस लेवल तक एक्सेल फो यूज कर पाए तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर ए आई टूल अवेलेबल है तो मैं आपसे कहूँगा चाहिए पेड़ है चाहे फ्री है बट ये कुछ टाइम आपके चलेंगे तो आप तब तक ये वे ट्राई कीजिए क्योंकि हमें कोई क्रेडिट कार्ड कार, डेबिट कार्ड कुछ भी देना है यहाँ पर आप इन ए आई टूल को जो पेड है उन्हें भी ट्राई कीजिए और अगर आपको बढ़िया लगता है आपका यूजफुल है आपके लिए तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं तो यहाँ से हम ये बोर्ड डाल देंगे जिसे कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। ओके तो हमारा ये रजिस्टर्ड हो चुका है अब यहाँ पर हम सेम ईमेल आईडी को यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं तो ये देखिए

राइटिंग वार्ड शोडा और सी के अंदर टू डेज डेट शो ओपी उन्हीं को मैच करते हुए ये और एक कॉलम में सिर्फ उसका सम लगाए ओके तो फिर हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो यही सेम एक बार चेकलिस्ट का एग्जांपल देखिए ये यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट इसका आट पे ओके okay? इस तरह से आप अपने एक्सेल के अलग-अलग ए आई टूल्स को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसे यूज कर सकते हैं तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो उसे लाइक करें शेयर करें और जो भी वे फर्स्ट टाइम चैनल वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वे में वेलकम नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जैंग वंदे मात